हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं डीएनए के कैरेक्टर्स के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम बात करने वाले हैं डीएनए के कैरेक्टर्स के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं, डीएनए कितने प्रकार के होते हैं। ए डीएनए, दूसरा होता है बी डीएनए, तीसरा होता है सी डीएनए, चौथा होता है डी डीएनए और लास्ट होता है जेड डीएनए। अभी इसमें हमारा फर्स्ट कैरेक्टर आएगा जो कि है रोटेशन के बारे में। तो फर्स्ट कैरेक्टर आएगा रोटेशन के बारे में। ए डीएनए का रोटेशन होता है राइट हैंडेड। और बी डीएनए का भी राइट हैंडेड रोटेशन होता है। सी डीएनए का भी राइट हैंडेड और डीएनए का भी राइट हैंडेड। जबकि हम जो जेड डीएनए को देखते हैं तो जेड डीएनए में लेफ्ट हैंडेड रोटेशन पाया जाता है। जेड डीएनए को हम लोग जिगजैग डीएनए भी कहते हैं, जिगजैग डीएनए। दूसरा जो कैरेक्टर आता है वो होता है पिच का, पिच जो कि ए डीएनए में पाया जाता है 28 एंगस्ट्रॉम और बी डीएनए में पाया जाता है 34 एंगस्ट्रॉम, सी डीएनए में पाया जाता है 23.2 एंगस्ट्रॉम और डी डीएनए में पाया जाता है 24.24 एंगस्ट्रम, और जबकि हमें जिगजैग डीएनए में पाया जाता है 45 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम की वैल्यू तो आपको पता ही होगी, जो कि एंगस्ट्रम की वैल्यू होती है 10^-10। अब हमारा तीसरा जो कैरेक्टर आता है वह आता है बेस पेयर्स पर कोइल, जो कि ए डी एन ए के अंदर 11 बेस पेयर देखने को मिलते हैं, जबकि बी डी एन ए के अंदर 10 बेस पेयर और सी डी एन ए के अंदर 9.33 बेस पेयर और डी डी एन ए में 8 बेस पेयर होते हैं। जिगजैग डी एन ए में पाया जाता है 20 बेस पेयर। ठीक है, अब जो फोर्थ कैरेक्टर आता है वह आता है डायमीटर के बारे में। डायमीटर जो कि ए डी एन ए में होता है 23 एंगस्ट्रॉम, बी डी एन ए में होता है 20 एंगस्ट्रॉम, सी डी एन ए में होता है 19 एंगस्ट्रॉम, जो कि इसका अभी हमें पता नहीं चला है, और इसका हो जाता है 18 एंगस्ट्रॉम। और फिफ्थ कैरेक्टर आता है फॉर्म ऑफ सुगर फॉस्फेट बैकबोन, जो कि ए डी एन ए के अंदर अपन को रेगुलर मिलता है, बी डी एन ए के अंदर भी रेगुलर, सी के अंदर भी रेगुलर होता है और डी के अंदर भी रेगुलर होता है, जबकि जेड डी एन ए के अंदर जिगजैग फॉर्म ऑफ सुगर फॉस्फेट बैकबोन पाया जाता है। हमें यहाँ पर एंगस्ट्रम की वैल्यू को पता रखना है, जो कि 10^-10 होती है।